बढ़ने की यात्रा होगी। हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 के साथ विकास के नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास में छत्तीसगढ़ के कृषि और उद्योग क्षेत्र का बड़ा योगदान है, लेकिन अभी भी इन दोनों क्षेत्रों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। हमने 2028 तक राज्य के GSDP को दो गुना करके 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम नई उद्योग नीति ला रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो प्रणाली जैसी नीतियों को लागू किया जा रहा है। स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम पर्यावरण और जैव विविधता के मामले में भी बहुत धनी प्रदेश हैं। हम अपनी इस पूंजी को बचाए रखने, उसमें और वृद्धि करने के लिए संकल्पित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में हम ऐसी मजबूत अधोसंरचना का निर्माण कर रहे हैं जिसका लाभ आसपास के राज्यों को भी मिलेगा। हमारा मकसद केवल आंकड़े पेश करना नहीं है, हम लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें भावी विकास के लिए हमारी ताकत हैं। हमें खुशी है कि हमारी महतारी बंधन योजना के फलस्वरूप प्रदेश की माताएं और बहनें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण से ही हम प्रदेश का सशक्तिकरण कर पाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। माओवाद के खिलाफ कड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। राज्य में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस प्रदेश को नक्सल हिंसा से मुक्त कराने में अपना बलिदान दिया है। बहुत शीघ्र ही ये प्रदेश नक्सल समस्या से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ शांति एवं सौहार्द का टापू रहा है। यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय एवं पंथ के लोग आपसी भाईचारे प्रेम एवं सामंजस्य के साथ रहते हैं। यही हमारे गुरुओं की सीख एवं संदेश भी रहा है और उन्होंने अपने आचरण से एक मिसाल पेश की है। हमें उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना है कि अपने धर्म का आचरण एवं दूसरों के धर्म का सम्मान अतिक्रमण नहीं। बस्तर के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, बस्तर की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से हम बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर बस्तर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। इसमें भागीदारी के लिए 1,65,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीयन कराया है। मैं प्रदेश के किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं सहित समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में भागीदार बने। आप सभी के प्रयासों से विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करेंगे। मैं एक आदिवासी का बेटा हूं, जमीनी स्तर से जुड़ा हूं, हर वर्ग की पीड़ा और जरूरत को समझता हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 बनाया है। आप सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। आज के इस अवसर में हमें माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनना है, इसलिए मैं कुछ जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए घोषणा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के शुभ अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021 के संबंध में घोषणा करता हूं कि कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज अलंकरण प्राप्त कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड A1 निर्धारित किया गया है। दूसरा, समस्त ए श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया जाता है तथा 20 श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 किया जाता है। ग्रेड निर्धारण समिति की प्रत्येक बैठक में अधिकतम 3 प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। मैं भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्य के नागरिकों के आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे राजस्व की गरिमा बढ़ाई।
मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।